अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी एम सी हनवारा में मौजूद हूँ। तकरीबन एक घंटे पहले जो ब्रह्मरी कफवारा रोड है वहाँ पे दोनों गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, एक तो सुमो और दूसरी जो गाड़ी थी वो बताया जा रहा है इको की गाड़ी है। तकरीबन बताया जा रहा है कि एक दर्जन से ज़्यादा जो है लोग इसमें जख्मी हुए हैं। अभी उनको हनवारा जी एम सी इलाज मुंतकिल लाया गया है। ये लाइव विजुअल मैं आपको हनवारा हॉस्पिटल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताया जा रहा है तकरीबन 10 से 12 लोग जो है वो यहाँ पे जख्मी हो चुके हैं। अभी मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ हनवारा जी एम सी में। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और डॉक्टर यहाँ पे इलाज मुआवजा यहाँ पे चल रहा है। अभी ये टोटल कन्फर्म नहीं है कितने लोग हैं इसमें। बताया जा रहा है कि तकरीबन एक दर्जन से कम या एक दर्जन से ज़्यादा लोग जो है उसमें जख्मी हो चुके हैं। तकरीबन अभी सभी लोग जो है स्टेबल बताया जा रहा है। तो लाइव तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाना जी, आपको मैं इस वक्त की लाइव तस्वीर में आपको हनवारा जीएमसी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग जो है यहाँ पे जख्मी हो चुके हैं। एक हम कहेंगे एक हादसा हुआ है, दोनों गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हुआ। एक इको गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी जो थी वो सोमो थी। तो इसमें टोटल बताया जा रहा है कि या एक अभी ये हम नहीं कह सकते कितने टोटल कितने लोग इसमें जख्मी हुए। अभी उनको हनवारा जीएमसी लाया गया है। अभी यहाँ पे उनका इलाज मौजा चल रहा है। थोड़ा सा अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा विजुअल। मैं अभी तमाम जो यहाँ पे टीम है वो यहाँ पे तैनात है। डॉक्टर साहब यहाँ पे चेक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि टोटल एक दर्जन के करीब लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं। अभी उनको हनवारा जीएमसी जो लाया गया है इलाज मुआवजा के लिए, यहाँ पे उनका इलाज है अभी चल रहा है। बता जरा अभी सबों की लोग जो अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं। थोड़ा सा जाना जी, लाइव तस्वीर में आपको हर बार से दिखा रही है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ, दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट है, सोमो और इको में एक्सीडेंट, जिसमें तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो जख्मी हो चुके हैं। इसमें कम से जो दो बच्चे हैं वो भी जख्मी हुए हैं। और बाकी अभी बताया जा रहा है कि बाकी जो तीन बॉडी वो स्टेबल बताई जा रही है। यहाँ पे भी Yes.
रेफर करून का होईल जी? अभी कन्फर्म टोटल जो जख्मी हुआ वो 7 है, जिसमें कम से 2 बच्चे हैं। एक की जो है हालत जो है वो हम कहेंगे इसकी हालत जो है खराब है, तो यहाँ से वो श्रीनगर वो यहाँ पे रेफर करेंगे और भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और डॉक्टर जो है यहाँ पे तैनात है, वो यहाँ पे इस वक्त जो है इलाज मोर्चा चल रहा है हमारा। जीएमसी की बात करेंगे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। यहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ, ये मैं बताऊंगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कहेंगे कि अभी तकरीबन 1 घंटे पहले एक एक्सीडेंट, दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट, एक गाड़ी जो है सोमो की गाड़ी है, दूसरी जो है गाड़ी इको गाड़ी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। अभी यहाँ पे बता तो ये वीडियो में आपको दिखाना कुछ करूँगा। जाना जी, ब्रह्मी कपारा में एक जबरदस्त हम कहेंगे एक हादसा हुआ है। हादसे में तकरीबन 7 लोग जख्मी हो चुके हैं, जिसमें कम से 2 बच्चे हैं। अभी एक हालत बताई जा रही है कि बिल्कुल खराब है, उसको यहाँ से अभी श्रीनगर जो है रेफर ये करेंगे। बाकी जितने भी लोग हैं, तकरीबन 6 लोग हैं, वो उनकी हालत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है बुरी खर कुकवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से, जैसे टंगडार में भी एक्सीडेंट हुआ और साथ ही साथ यहां पर ब्रह्मरी कुपवाड़ा में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। 2 गाड़ियों के आपस में जो टक्कर लगी है इको और सोमो के बीच में, बताया जा रहा है कि दर्जनों अफराद इसमें जख्मी हो चुके, लेकिन अभी जीएमसी हंदवाड़ा में 7 लोगों को लाया गया है, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं और उनका इलाज इस समय चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर हैं सब लोग और इस वक्त जो है इलाज उनका चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको शायद रेफर किया जाएगा श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, जहां पर उनका इलाज यहां पर बाकायदा तौर पर हो। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है, ईद उल फितर का दूसरा दिन और यहाँ पर हमें एक्सीडेंट आज पहली बार इस तरह का बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि दर्जनों अफराद जो है कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ 2 या 3 एक्सीडेंटों में देखने को मिले हैं। तो इससे पहले हमें खबर मिली लोलाब से भी, लोलाब में भी एक एक्सीडेंट हुआ और साथ ही साथ टंगडार के अंदर भी एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 6 लोग बताया जा रहे हैं कि जख्मी हो चुके हैं, उनको नजदीकी अस्पताल टंगडार के अंदर जो है रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज यहां पर बाकायदा तौर पर। इस समय हम मौजूद है जीएमसी हंदवाड़ा में, जहां पर तकरीबन 7 लोगों को यहाँ पर लाया गया है और बाकायदा तौर पर उनका इलाज इस समय यहाँ पर चल रहा है। और बता दें कि ये एक्सीडेंट जो है कुपवाड़ा के ब्रह्मरी में ये एक्सीडेंट हुआ है और Yeah.
तो देख सकते हैं अब इस समय जो हालात हैं वो बहुत ही पेचीदा है और गम के आलम में सभी लोग इस समय जो हैं है, क्योंकि एक बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर पेश आया है और एक्सीडेंट में काफी लोगों की जो है यहाँ पर काफी लोग जो है जख्मी हो चुके हैं। तो बता दें कि कुपवाड़ा के ब्रह्मरी में ये एक्सीडेंट पेश आया, बताया जा रहा है कि 7 से ज्यादा लोग यहाँ पर जख्मी हो चुके हैं। और इस समय अगर बात करेंगे जीएमसी हंदवाड़ा में जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये इनके चाहे रिश्तेदारों की बात करें, चाहे रिश्तेदारों की बात करेंगे, चाहे बाकी इलाकों में लोगों की बात करेंगे, वो जमा हुए हैं इस वक्त। और इस समय जो है बाकायदा तौर पर इनका इलाज तो में आप देख सकते हैं इस समय हंदवाड़ा के जीएमसी से और जीएमसी में इस वक्त जो है गैदरिंग भी काफी ज्यादा है और जो इनके लवाकीन रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। जाना जी, इस वक्त मैं जीएमसी हंदवाड़ा में मौजूद हूँ। लिया तस्वीर में आपको गुलिस्तान लाइव फीड पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बताया जा रहा है कि ब्रह्मरी कपवाड़ा में एक हादसा हुआ है, एक हादसे के दौरान दो गाड़ी का टक्कर हुआ है, एक इको गाड़ी और दूसरी गाड़ी थी सोमो थी। बताया जा रहा है कि टोटल 7 लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। अभी सब की हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है और एक बच्ची जिसमें दो कमसीन बच्ची की हालत जो है वो इस वक्त मैं आपको गुलिस्तान नई फीड पे में इस ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जीएमसी हंदवाड़ा में अपना तफरीक का माहौल है क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 लोग टोटल इसमें जख्मी हो चुके हैं। अभी उनका इलाज मौजूद यहाँ पे हंदवाड़ा जीएमसी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिसमें दो कमसिन जिनकी उम्र जो है 7 से 8 साल, दो बच्ची जो है इसमें जख्मी हो चुके हैं। बताया जा रहा है एक बच्ची के हालात जो है वो बिल्कुल खराब बताया जा रहा है कि उसकी यहाँ से श्रीनगर उसको यहाँ से रेफर वो करेंगे। बताया जा रहा है कि टोटल इसमें 7 लोग जो है वो इसमें जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त जीएमसी हंदवाड़ा में मौजूद है, बिल्कुल यहाँ पे इलाज मौजूद चल रहा है। चाहे सी टी स्कैन की बात करेंगे, चाहे हम बाकी डॉक्टर यहाँ पे बिल्कुल तैनात है। ये लाइव तस्वीर आपको हंदवाड़ा से दिखाने की कोशिश कर रहा।